नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीवनी चौधरी और आप देख रहे हैं सेहत का खजाना। मॉनसून का सीजन गर्मी से राहत तो दिलाता ही है, लेकिन साथ ही कई तरह की चिंताएं भी बढ़ा देता है। इस दौरान वायरल बुखार, सर्दी जुखाम के अलावा डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों का काफी ज्यादा खतरा मंडराने लगता है। यही वजह है कि बरसात के मौसम को बीमारियों का मौसम भी कहा जाता है। इस दौरान बीमारी के लक्षणों को हल्के में लेने की गलती ना करें और फौरन डॉक्टर से जांच करवाएं। आज हम डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों के बारे में बता रहे हैं, ताकि आप इन्हें वक्त रहते पहचान सकें और समय पर इलाज शुरू हो सके। आपको बता दें कि डेंगू और मलेरिया दोनों ही ऐसी बीमारियां हैं जिनका डर भारत में हर साल मंडराता है। ये दोनों मच्छरों के काटने से फैलती हैं। ऐसे में इनके शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज के बारे में जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में इन बीमारियों की टेस्टिंग बढ़ाने, इनके फैलने की गतिविधि पर बेहद बेहतर डेटा इकट्ठा करने और ग्रामीण स्तर पर देखभाल करने की बेहद जरूरत है। हालांकि अभी भी भारी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो डेंगू और मलेरिया को आज भी एक तरह की बीमारी मानते हैं। ये दोनों भले ही मच्छर से फैलती हैं, लेकिन शरीर को अलग अलग तरह से बीमार करती हैं। आइए जानते हैं कि डेंगू और मलेरिया क्या है और इनके बीच अंतर क्या है। आपको बता दें कि डेंगू एक तरह का वायरल संक्रमण है जिसके 4 अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। ये एक संक्रमित एडीज एजिप्टिक मच्छर के काटने से होता है। इस बीमारी में मरीज की हड्डियों में बेहद दर्द होता है, इसीलिए इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। ये मच्छरों के जरिए इंसानों में फैलता है। जब किसी डेंगू मरीज को मच्छर काटता है तो वायरस उसकी आंतों में पहुंच जाता है और वहां उसका म्यूटेशन होने लगता है। अधिक संख्या हो जाने पर वायरस उसकी सलाइवरी ग्लैंड यानी लार में आ जाता है। इसके बाद जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो भी डेंगू संक्रमित हो जाता है। यानी डेंगू एक मरीज से मच्छर में और फिर मच्छर से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है। वहीं मलेरिया दरअसल एक प्रकार के परजीवी प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी है। ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो संक्रमण फैलने से उसे मलेरिया हो जाता है। एनाफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट आपके ब्लड में पहुंच जाता है और बॉडी की लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। ये मच्छर लगातार नम और पानी वाली जगहों पर पाया जाता है, इसीलिए मच्छर से बचाव के लिए घर के आसपास सफाई और पानी जमा ना होने दें। लापरवाही या सही इलाज ना होने पर मलेरिया जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं डेंगू और मलेरिया के लक्षण क्या हैं। अचानक बुखार आना, सिर दर्द, ठंड लगना, आंखों में जलन, उल्टी होना, भूख में कमी, सूखी खांसी, मसूड़े में खून बहना, पसीना आना, ऊपरी और निचले अंगों में रैशेज, बेहोशी। आइए जानते हैं इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है। जितनी भी रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ, लगातार डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड, किसी किसी पेशेंट में टाइफाइड के लक्षण भी देखे जा रहे हैं। एक्चुअली डेंगू इस वक्त में फिर से आ गया है और काफ़ी हद तक डेंगू बढ़ रहा है पेशेंटों में, और इसके लक्षण ये है कि बहुत तेज़ बुखार होता है। पेशेंट एकदम 104-105 तक पहुँच जाता है और इसमें पता चल नहीं पाता, क्योंकि इसका एक टेस्ट होता है डेंगू NS1, उसके बाद ही पता चल पाता है कि डेंगू है, मलेरिया है या फिर टाइफाइड है। अब बात आती है कि डेंगू मलेरिया से बचने के लिए क्या करें। तो आपको बता दें कि मच्छरों से बचने के लिए आप स्किन पर रिपेलेंट लोशन या स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश का मौसम आते ही लंबी बाजू और फुल पैंट्स जैसे कपड़े ही पहने, त्वचा को जितना ढककर रख सकते हैं रखें, खासकर शाम के समय। बारिश के मौसम में पानी में तेजी से मच्छर पनपते हैं, इसीलिए गमलों, कूलर और घर के आसपास किसी भी तरह पानी को जमा ना होने दें। मच्छरों को अपने घर में आने से रोकने के लिए खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं। घर के कोनों में मच्छरों को भगाने वाले स्प्रे, कॉइल या किसी भी तरह के रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। चलिए जानते हैं डॉक्टर्स की राय। लेकिन शुरुआती लक्षण में बचाव यह है कि हम लोगों को चाहिए कि कहीं पर भी पानी ना भरने दें, जैसे कि कूलरों में पानी भरा रह जाता है या तालाबों में पानी भरा रह जाता है, आसपास गंदगी रहती है, नालियों में गंदगी रहती है, तो उसमें मच्छर पनपते हैं। मच्छरों के काटने से ही ये होता है, तो प्रिकॉशन में यही है कि सब चीज़ों से बचा जाए, गंदगी ना पनपने दिया जाए
और जैसे ही तेज बुखार हो तो फौरन डॉक्टर के संपर्क। जानकारी के लिए बता दें कि डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियों के लक्षण दिखने पर इसे गंभीरता से लें और खुद से कोई भी दवा ना लें। शाम के वक्त मच्छरों का आक्रमण चरम पर होता है, इसलिए कोशिश करें कि इस दौरान घर के बाहर ना निकलें। घर में रखे डेकोरेशन की चीजों में या फिर फूलदान में पानी जमा ना होने दें। अगर कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो कूलर में भी पानी समय समय से बदलते रहें ताकि मच्छरों को पनपने का मौका ही ना मिले। अगर डेंगू या मलेरिया जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें और अपना इलाज कराएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए सेहत का खजाना सिर्फ N27 न्यूज पर। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।